खुद महाराज पिता भूखे दे करके स्वागत करे, अभिनंदन करे, वंदन करे। सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। पूज्य महानगर हम आशा में आग्रह करते आज दीवार लेखन कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके आस्था के केंद्र, गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आज इस दीवार लेखन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एक बार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी के सुपरस्टार आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर आदरणीय श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, सागरमा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मंडल के अध्यक्षगण, शक्ति केंद्र के संयोजकगण, सभी पार्षदगण, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। निश्चित ही आज हम सबका सौभाग्य है कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार इस अभियान कार्यक्रम का दीवार लेखन का शुभारंभ पूज्य महाराज जी के हाथ से हुआ है। निश्चित ही ऐतिहासिक मतों से हम सभी 2024 का चुनाव जीतने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मैं विनम्र निवेदन करता हूं पूज्य महाराज जी से कि हम सभी का आशीर्वचन दें पूज्य महाराज जी। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर में और प्रदेश के 2024 के आम चुनाव के लिए वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व में यहां पर यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, महानगर के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के हमारे विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भीषण शीत लहरी के बीच कल आप सबने बाबा गोरक्षनाथ को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई, कार्यक्रम में भागीदार बने और आज इतने पूर्वाहन में भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण में 2024 लोकसभा चुनाव वॉल राइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ
यहां से प्रारंभ हो रहा है। यह एक अनवरत कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। इस दिन से उत्तर प्रदेश की वॉल लाइटिंग कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर मुझे भगवान विश्वकर्मा के इस पावन मंदिर प्रांगण से करना पड़ा है। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है, एक बार फिर मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो एक संकल्प पूरे देश के अंदर फिर से दिया है, एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 पार के भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो, हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। यात्रा हर गांव का मैं अपना सफर करते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5-10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है, भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं, बंद उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं, क्यों योजना की घोषणा नहीं हुई है बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकंड फेज में वॉल लाइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल लाइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े वेदियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार,
इस बार 400 बार इस बार 400 बार इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। मैं महानगर इकाई को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरे महानगर में और जनपद के अंदर जो बार राइटिंग का कार्यक्रम न केवल संगठन बल्कि हमारे जनप्रतिनिधिगण में महापौर, सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के माध्यम से खाली स्पेस जहां भी दिखे, किसी का पर्सनल है तो उससे पूछ करके, लेकिन अगर खाली स्पेस है आप वहां पर उसको भर दीजिए। तो हर जगह केवल दो ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम।